नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। गुरुवार को सुबह चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर भाजपा कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर भाजपा नेता सुभाष काबरा के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को घेराव कर अजमेर उत्तर एवं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट बदलने की मांग करते हुए विरोध जताया। दोस्तों बता दूं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का काफिला भाजपा कार्यालय पहुंचा तो विधायक वासुदेव देवनानी के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए थे। केंद्रीय मंत्री शेखावत के रूम में जाने के बाद भाजपा नेता सुभाष काबरा और विधायक देवनानी के समर्थक अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाते लगे। इसी बीच दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और मामला गरमाते देख जिला अध्यक्ष रमेश सोनी वहां पहुंचे और शांत करवाया। दोस्तों बता दूं, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद देवनानी के समर्थक और सुभाष काबरा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। भिड़ने के बाद में काफ़ी देर तक समझाइश के बाद सुलझाइश हुआ मामला। दोस्तों बता दूं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही सक्रिय हैं और जगह जगह जहाँ पे केंद्रीय मंत्री के तौर पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेते हैं और जायजा करते हैं, निरीक्षण करते हैं। राजस्थान चुनाव सभा से हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब